नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे अपना जो 8th क्लास का जो 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर, उसके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था। और एग्रीकल्चर क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, यानी यहाँ पर हमने कुछ हमारे जो मानव की जो एक्टिविटीज होती हैं, आर्थिक जो क्रियाएँ हैं उनके बारे में जाना, क्या इसके अंदर आउटपुट्स होते हैं, क्या इसके अंदर इनपुट्स होते हैं, कौन से इसके अंदर आपके जो ह्यूमन जो प्रोसेस हैं वो इसमें शामिल होता है, कौन कौन से इसमें जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो काम आते हैं, फिर हमें इनसे क्या इनपुट्स मिलते हैं, क्या आउटपुट्स मिलते हैं हमें इनसे, वो चीज़ें जाने, किसान के द्वारा या फार्मर के द्वारा कौन कौन सी प्रक्रियाएँ इसमें शामिल होती हैं, प्रोसेस शामिल होते हैं, वो हमने जाना। आज इस टॉपिक में पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार में अलग अलग प्रकार से खेती की जाती है। कोई फार्म फार्मिंग कर रहा है, कोई छोटे खेतों में फार्मिंग कर रहा है, कोई बागवानी कर रहा है, कोई कुछ प्रकार की, तो इस प्रकार से खेती कई प्रकार की होती है वैश्विक स्तर पर, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस। यदि हम भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करें, इसके आधार पर देखें, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस उत्पादन की मांग को आधार बनाकर देखें, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें प्रयोग की जाने वाली मजदूरी या तकनीकी का यूज़ देखते हुए इसका अगर जो डिस्कशन करें, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, तो हम खेती को प्रमुख तौर पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी जीविका कृषि, आजीविका कृषि, जिसमें जीविका दहन जीविका उपार्जन बोलते हैं, जिसमें मानव जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है, एंड कमर्शियल फार्मिंग, और दूसरी आती है इसमें व्यापारिक खेती, जिसमें पैसा कमाने के लिए उत्पादन बाजार के लिए होता है। जबकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो भी किसान उत्पादन करते हैं वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इसमें काम किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, देखिए, इन दिस फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। इसके अंदर ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के अलावा, गवर्नमेंट के द्वारा, किसानों के द्वारा, इवन जो किसान जो लोग हैं अपने घरेलू यूज के लिए भी इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है, अपने घरेलू कूड़े कचरे से जो नेचुरल खाद बनाई जाती है, जो ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है, हमारे जो मवेशियों का जो गोबर वगैरह होता है उससे जो खाद बनाई जाती है, या हम जो कीटों से जो खाद बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट, उसको इसी में अधिक इस्तेमाल किया जाता है। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, फिर खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए जो है किसी प्रकार का जो रासायनिक जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं उसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। तो अब देखिए, हम जो डिस्कशन कर रहे थे हमारे दो टाइप की जो फसलें हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आजीविका कृषि। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टाइज टू मीट द नीड्स और डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, यानी किसान की अपने परिवार की जो मांग है या आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति के लिए खेती की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे परंपरागत हथियार होते हैं, औजार होते हैं, यंत्र होते हैं, परंपरागत जो हमारी तकनीक होती है, और घर के लोग ही इसके अंदर शामिल होकर के मजदूरी करते हैं, जिससे जो आउटपुट है, जिससे उत्पादन है, वो बहुत कम हो पाता है, यानी केवल परिवार का भरण पोषण ही इससे हो पाता है इस प्रकार की खेती के अंदर, क्योंकि लोगों के पास पैसों की कमी होती है, जिसकी वजह से लोग अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के इसमें खेती करते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। अब जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जो जीविका कृषि है, जीविका कृषि को आगे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें एक तो आती है आपकी इंटेंसिव गहन आजीविका कृषि, एक होती है आपकी प्रिमिटिव, एक होती है जो आपकी प्राथमिक भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव को, जो हम प्राचीन समय से जैसे हम खेती करते आ रहे हैं। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। जो गहन आजीविका कृषि होती है, इसके अंदर किसान जो है
वो छोटे छोटे जो भूमि के टुकड़े होते हैं उनमें अपने साधारण से जो यंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें लेबर ज़्यादा यूज करते हैं। लेबर ज़्यादा इसलिए यूज की जाती है क्योंकि परिवार बड़ा होता है और भूमि कम होती है, तो उस कम भूमि से ही परिवार की जो डिमांड होती है उसको, खाद्यान्न संबंधी जो मांग होती है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सोइल्स परमिट ग्रोविंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। क्या होता है कि इसमें किसान जो है एक ही वर्ष में दो दो फसलें लेता है, जिससे कि क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ होने की वजह से किसान लोग जो हैं एक ही वर्ष में दो दो फसलें उस भूभाग से लेते हैं। राइस इज़ द मेन क्रॉप। इन क्षेत्रों की जो है राइस जो होती है, चावल जो होता है वो मुख्य फसल होती है, क्योंकि राइस इज स्टेपल डाइट, मुख्य खाद्य फसल है चावल भारत की। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, यानी लगभग देखा जाए तो इनमें खाद्यान्न फसलें ही सारी शामिल होते हैं। वीट आपका जो कि सेकेंड स्टेपल डाइट है, मेजे इसके अंदर आता है, पल्सेज के मामले में भारत जो है प्रमुख प्रोड्यूसर होने के साथ साथ पर जो फर्स्ट कंज्यूमर है और फर्स्ट ही आपका प्रोड्यूसर है पल्सेज के मामले में। ऑयल सीड्स तिलहन वगैरह इसके अंदर जो है उगाए जाते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द कॉमन रीजन्स ऑफ साउथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। यदि इसका विस्तार देखें हम, जो कि गहन आजीविका जो खेती है, ये एशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया के अंदर विश्व की लगभग 1/3 पॉपुलेशन है वो इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर दो बड़े देश, दो क्या यदि कहें तीन बड़े देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, रशिया, चाइना, भारत, जो कि लगभग संसार की 50% जनसंख्या लिए हुए हैं, वो देश इसके अंदर शामिल हैं। तो इतनी अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, तो यहाँ पर आपके इंटेंसिव प्रकार की खेती की जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्म एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमेडिक। देखिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, इसको आगे चल करके फिर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें एक तत्ती शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र पर हम कुछ समय के लिए खेती करते हैं और जब उसकी उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाती है, उस क्षेत्र को छोड़ करके हम दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। इस प्रकार की खेती जो होती है वहाँ पर की जाते हैं जहाँ विशाल मैदान होते हैं, जनसंख्या का घनत्व कम होता है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। तो यहाँ पर देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। इस प्रकार की जो खेती है वो अमेजन जो नदी क्षेत्र है जहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, या जो आपके ओशन कटिबंधीय अफ्रीका का जो हिस्से हैं, या कुछ हिस्सा जो साउथ जो एशिया का जो हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी एशिया के इन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। इस जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, बारिश अधिक होती है क्योंकि वन क्षेत्र अधिक हैं, तो जहाँ पर वन क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर बारिश भी अधिक होती है। एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, जहाँ से वनस्पति जो है शीघ्रता से पैदा होती हैं। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाई फाइलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। एक मैदान को, एक भूभाग को जहाँ पर पेड़ होते हैं, इन पेड़ों को काट दिया जाता है, उनको जला करके उसको साफ कर लिया जाता है। द एसिस आर देन मिक्सड विद द सोयल। फिर जो राख बचती है इन पेड़ों की, उसके अंदर मिट्टी, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है एंड बर्निंग, उनको जला करके। तो इस प्रकार से इसके अंदर फिर क्रॉप्स इसमें उगाई जाती हैं, लाइक मेज, याम, पैटेटोज एंड कसावा आर ग्रोन। इस प्रकार के जो खाद्यान्न फसलें हैं वो इनके अंदर उगाई जाती हैं, जो उन लोगों की अटमोस्ट जो नीड होती है उसको, उस प्रकार की फसलों को इस क्षेत्रों में उगाया जाता है। आफ्टर द सोयल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब इस भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, द लैंड इज अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है त्याग देना, कुछ समय के लिए उसको त्याग देते हैं, उसको छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। एंड द कल्टिवेटर्स मूव टू ए न्यू प्लॉट, और जो
भूमि की जुताई करने वाले लोग हैं या किसान जो लोग हैं वो उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे भूभाग पर चले जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस कृषि को दहन और कतरन खेती के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब होता है दहन और कतरन एग्रीकल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अलग अलग भूभागों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो इसको यहाँ पर झूमिंग को मिल्पा ये झूमिंग बोला जाता है। यदि मैक्सिको के अंदर देखें तो इसको रोका बोला जाता है। ब्राज़ील के अंदर इसको रोका बोला जाता है। मिल्पा मैक्सिको के अंदर बोला जाता है। लदांग मलेशिया के अंदर बोला जाता है। इस प्रकार से बहुत अधिक नाम हैं इसके अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। भारत के जो उत्तर पूर्वी पार्ट्स हैं यहाँ पर भी इनके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम जो आपकी जो खेती है इसमें जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसका दूसरा तरीका है वो है एक नोमेडिक हर्डिंग। नोमेडिक हर्डिंग के अंदर क्या होते हैं कि कुछ चरवाहे जातियाँ जो अपने मवेशियों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पर्टिकुलरली विपरीत परिस्थितियों के अंदर, विपरीत क्लाइमेट के अंदर, विपरीत मौसम के अंदर। तो हर्डिंग इज नोमेडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। इन क्षेत्रों के अंदर जो हैं पशुपालक जो हैं अपने पशुओं को लेकर जो चरवाहा जातियाँ होती हैं पर्टिकुलरली जिनको कि हम घुमंतु प्रजातियों के नाम से भी जानते हैं, खानाबदोश जातियों के नाम से भी जानते हैं, ये प्रजातियाँ क्या होती हैं, ये लोग प्राय अपने मवेशियों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कि शुष्क और अर्ध शुष्क जो एरियाज हैं भारत के संदर्भ में देखें तो जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस क्षेत्र के लोग अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की तलाश में ये लोग जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार की खेती में ये लोग क्या करते हैं, हार्ड्समैन जो चरवाहे लोग होते हैं मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स, ये अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं फॉर फोडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स, अपने पशुओं के चारे के लिए, पानी के लिए, और इनका जो रूट होता है वो लगभग निर्धारित होता है, ये पहले से तय रहता है कि उनको किस रूट पर जाना है, किधर जाना है। तो इस प्रकार से ये अपने रूट निर्धारित रूट पर अपने मवेशियों को लेकर के जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। इस प्रकार की जो इनकी गतिविधियाँ होती हैं ये विभिन्न प्रकार के जो जलवायु संबंधी जो कॉन्स्टेंट होते हैं, जो धान होते हैं या क्षेत्रीय एक तरीके से देखा जाए तो क्षेत्रीय विशेषताएँ सुविधाएँ इनको जहाँ पर प्राप्त होती हैं उसके आधार पर ये अपने गतिविधियाँ तय करते हैं। शिप कैमल याक एंड कोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। इन लोगों के द्वारा यदि मवेशी देखे जाएँ तो कौन कौन से मवेशी ये लोग पालते हैं, भेड़ बकरियाँ कैमल, इस प्रकार की वस्तुएँ ये जो जानवर हैं ये पालते हैं क्योंकि इन जानवरों से इनको दूध है, खाल है, मांस है, ये सब इनसे प्राप्त हो जाते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क मीट वूल हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज, क्योंकि इन लोगों को इनसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनसे इनकी आजीविका बढ़ती है। तो आज हमने जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन का फर्स्ट रूप जो हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग को जाना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत हमने जो हमारी खेती है खेती को डिवाइड किया था दो भागों के अंदर, जिसमें आपका एक तो इंटेंसिव आ गया था, इंटेंसिव फार्मिंग आ गई थी, और एक इसमें नोमेडिक आ गया था फार्मिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के भी दो तीन रूप होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।